रेड लाइन मेट्रो नरेला बवाना से बढ़ाकर सोनीपत के कुंडली तक रेड लाइन मेट्रो को प्रस्तावित किया गया है, जिसको केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। यह नया कॉरिडोर एक तरफ से हरियाणा और दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रिठाला से लेकर जो मेट्रो नरेला तक जानी थी बवाना को क्रॉस करती हुई, उसी रेड लाइन मेट्रो को हरियाणा के सोनीपत के कुंडली से मिलाने का प्लान चालू हो चुका है। अगर बात करें इस प्लान की, तो इसके लिए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अगर मंजूरी मिल जाती है, तो हरियाणा का सोनीपत जल्द ही मेट्रो लाइन यानी कि दिल्ली मेट्रो से दिल्ली के अलग अलग शहरों से जुड़ने का काम करेगा। वैसे बात करें तो रैपिड मेट्रो सोनीपत से क्रॉस करती हुई पानीपत तक जानी है, लेकिन दिल्ली मेट्रो से सोनीपत की कनेक्टिविटी आने वाले समय में काफ़ी कुछ देकर जाने वाली है। अगर रेड लाइन की बात करें, तो यह पहली ऐसी मेट्रो होगी जिसका एक कोना सोनीपत यानी हरियाणा से दिल्ली को क्रॉस करता हुआ दूसरा कोना उत्तर प्रदेश सीमा तक जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज फोर में प्रस्तावित रिठाला बवाना नरेला मेट्रो कॉरिडोर को हरियाणा के कुंडली तक ले जाने वाली योजना को तैयार करने का काम किया गया है। इसमें गुरुग्राम, वल्लभगढ़ और फरीदाबाद की तरह हरियाणा के इस हिस्से में भी मेट्रो को दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के रूप में जोड़े जाने का काम किया गया है। अगर इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है, तो दिल्ली मेट्रो ऐसी मेट्रो लाइन बन जाएगी जो एक अलग से विस्तार के साथ साथ इतिहास रच देगी, जिसका एक कोना हरियाणा और दूसरा कोना उत्तर प्रदेश में होगा। अगर बात करें हरियाणा तक इस योजना के मुताबिक मेट्रो अलाइनमेंट में जरूरी बदलाव करके DMERC डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जल्द सबमिट करने का काम कर सकता है, और दोनों राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार के पास इस रिपोर्ट को सबमिट करने का काम किया जाएगा। DMERC के अधिकारी के मुताबिक गाजियाबाद के शहीद स्थल से रिठाला तक के बीच मेट्रो लाइन वर्तमान में काम कर रही है और इसे नरेला तक एक्सटेंड करने की प्लानिंग थी, मगर अब इस कॉरिडोर को कुंडली तक ले जाने का काम किया जा रहा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो दिल्ली मेट्रो का यह ऐसा पहला कॉरिडोर बन जाएगा जो दो राज्यों के साथ केंद्रीय राजधानी को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। इस स्कीम के बाद DDA ने नरेला इलाके में हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी, उसके बाद इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। अगर बात करें इस नए मेट्रो रूट की, तो इसमें सबसे पहले रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, पक्करवारा, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 34, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 12, बवाना जे कॉलोनी, सनोट, न्यू सनोट, डिपो स्टेशन, इसके अलावा बोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला, नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नरेला, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथूपुर तक मेट्रो को बढ़ाने की योजना वर्तमान में प्रस्तावित है। इसको लेकर 27.319 किलोमीटर लंबा यह प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। 22 नए स्टेशन के साथ इस कॉरिडोर को जोड़ने का काम होगा और 890 मीटर का हिस्सा सतह पर होगा। इस मेट्रो की बात करें, तो दिल्ली देहात के एरिया के लिए काफ़ी फायदेमंद यह मेट्रो कॉरिडोर होने वाला है, क्योंकि दिल्ली देहात हमेशा अपने को पिछड़ा समझता है। अगर बात करें नरेला बवाना साइड, वैसे तो औद्योगिक एरिया में काफ़ी तरक्की आ चुकी है, लेकिन यहाँ के जो देहात के गांव हैं, वहाँ पर बसों की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है, और बाकी दिल्ली की अपेक्षा हरियाणा के सोनीपत और बहादुरगढ़ झज्जर के एरिया के लगते दिल्ली के जितने भी गाँव हैं, इन गाँवों को मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ का जो एरिया है, इसकी डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस नए मेट्रो कॉरिडोर के आ जाने के बाद नरेला बवाना की प्रोग्रेस, जे कॉलोनी समेत और यहाँ पर जो EWS फ्लैट सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। नरेला बवाना के एरिया को गोस्ट सिटी का जो नाम या टाइटल दिया गया था, वो टाइटल भी इस मेट्रो कॉरिडोर के कंप्लीट हो जाने के बाद काफ़ी हद तक इनसे दूर रहेगा और मेट्रो कॉरिडोर का काफ़ी ज़्यादा फायदा
दिल्ली देहात क्षेत्र के एरिया को देखने को मिलेगा। आप मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ी बाकी जानकारी और अन्य किस प्रोजेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।